कृषि विधेयक के रूप में सरकार द्वारा लादे गए काले कानून का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने कृषि विधेयक लाकर किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है, इससे किसान पूंजीपतियों के बंधुओं के रूप में कार्य करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, इस कानून के आने के बाद किसान अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद किसान को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर उनके इशारे पर कार्य करना होगा, जिससे आने वाले समय में किसान की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। अतः सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। यह देश कानून बन गया है, ये किसान के लिए काला कानून है। वजह, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को जो मिलता है, अब क्या होगा, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्या आते हैं फार्मर, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उनके हिसाब से अपने हित को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। दूसरा, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, हम बंधुआ, जब मजदूर कहते हैं बंधुआ किसान की तरह हम कार्य करेंगे, और कहेंगे नहीं, अब आपको गन्ना नहीं बोना, आपको भांग की खेती करनी है, हमें उनके हिसाब से करना पड़ेगा। आज आने वाले वक्त में इस काला कानून को वास्तव में मोदी जी ने वापस लेना चाहिए। आज किसान की स्थिति जो कहते हैं 2022 में हम दुनिया ही करेंगे, स्थिति आप देख रहे, किसान आत्महत्या की ओर बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, चाहे किसी का भी हो, उससे कम पे अगर खरीदारी होती है उसका भी कानून आना चाहिए। इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आज किसान आने वाले वक्त में जो ये तीन जो वो कानून बन चुके हैं, इससे आने से किसान आने वाले वक्त में देखिएगा बड़ी स्थिति ख़राब होगी। लॉकडाउन कहिए, GST देखिए, दिन पर दिन देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री बड़ा विश्वास किया, बड़ा भरोसा किया, लेकिन आज वो देश को क्या स्थिति है ये अच्छे से जानता हूँ। किसान होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, किसानों के अच्छे दिन दिखाने के लिए महंगाई कम करेंगे। आज देखो डीजल का रेट देखिए 20 से 25 गुना बढ़ गया, परसेंट बढ़ गया। आज देखो उस परसेंट बढ़ने से खेती की लागत एक एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति एकड़ बढ़ गई है, और आप 6,000 सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख अगर लोन लेता है, उस लोन लेने से आप वक्त में भुगतान नहीं करते हैं, साल भर के अंदर जो 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है वो 9% पड़ता है, तो 3 लाख का एक साल पर कितना ब्याज, तो 9% से 27,000, और 6,000 आप साल भर में किसान नफा नहीं दे रहे, तो आप 21,000 का तो किसान को ऐसे ही नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो ये नियम, ये कानून, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री वापस लेना चाहिए।